है मेरा यूएसए का वीजा। So we have to also put the date. Yes. तो ये जो मेरे पीछे है यही है US कॉन्सुलेट। कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है जहाँ से आप DS-160 फॉर्म भर सकते हो। होटल का नाम डाला, होटल का एड्रेस डाला और होटल का कोई बुकिंग नहीं करवाई मैंने। अपॉइंटमेंट हमें कहाँ बुक करवाना चाहिए, टोरंटो में थोड़े सक्सेस रेट जाते हैं। वहाँ क्लियरली लिखा है कि दिस इज ओनली फॉर यू। इसकी फीस कितनी है, तो इसकी फीस है मेरी। तो अपॉइंटमेंट बुक करने की भी ट्रिक ये है, जो मैं 15-20 मिनट लेट था वो मुझे काफी भारी पड़ सकते थे। लेकिन इंटरव्यू की भी स्पेसिफिक तीन विंडोज थी, तीन वीजा ऑफिसर बैठे थे। अब उन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछे, आपके पास घर पे आ जाएगा पासपोर्ट, आपको लेने जाने की जरूरत नहीं है। It's finally approved. Have US visa? US visa? Yeah. I'm a citizen. I can go whenever I want. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अभी $16.95 देके दो पासपोर्ट साइज फोटो में भिजवाइए ताकि यूएस के वीजा में कल दे सकूं मैं। What's the dimension of this photo? 2x2. So we have to also put the date. Date? Yes. If the date is expired, they will not accept it. और ये मुझे अभी मालूम पड़ा था क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी प्रिंट करवाए थे। इसमें कंफर्मेशन पेज, DS-160 बहुत कुछ प्रिंट करवाना पड़ता है। धीमे धीमे आपको बताऊंगा। तो अभी जाते हैं घर और कल फटाफट से सुबह आपसे मिलता हूँ जब एक्चुअल में यूएस वीजा की अपॉइंटमेंट की मेरी डेट है। तो ये जो मेरे पीछे है यही है यूएस कॉन्सुलेट टोरंटो वाला। यहाँ फुटपाथ है, यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, लाइन ऑलमोस्ट यहाँ से चालू थी और उधर तक लाइन थी। जो भी आप लोगों के विजिटर दोस्त है इस तरफ बैठ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके नहीं जा सकते हो, तो आप अपने फ्रेंड को दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पे लॉकर भी मिलते हैं रेंटल में। बस तो ये वाला कुछ पेपर दिया है उन लोगों ने पासपोर्ट लेके। तो इंटरव्यू देने के बाद जब वीजा अप्रूव हो चुका था उसके 3 दिन बाद मेरे को ईमेल आ चुका था कि भाई आके अपना पासपोर्ट पिक कर लो, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो आज जा रहा हूँ करीबन 10 दिन के बाद, मैक्सिमम 2 वीक्स का टाइम होता है, नहीं तो फिर से पासपोर्ट यूएस कॉन्सुलेट चला जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आ चुका है मेरा यूएस का स्टैंप लगा हुआ पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी है 10 साल की। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 2029 को, लेकिन जो यूएस का वीजा आया है वो आया है 2033 का। आज के इस ब्लॉग में मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होते हैं यूएसए के विजिटर वीजा को लेने के दौरान जो भी आपके दिमाग में आएंगे वो सारी की सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ था। तो इसके लिए आपको सबसे पहले DS-160 एक फॉर्म होता है वो भरना पड़ता है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के बाद आपको खुद को आपको जाना पड़ता है और जाके फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन मुझे पूछे गए वो मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा, कितना देर लगा यूएस का वीजा मिलने के लिए। और उसके बाद आज के दिन मैं गया था कैनेडा पोस्ट में अपना जो पासपोर्ट है उसको पिकअप करने के लिए। तो पूरा का पूरा इसी ब्लॉग के अंदर सारा का सारा आपको इंफॉर्मेशन ज्ञान मिल जाएगा। तो इसको शुरुआत से लेकर अंत तक देखना अगर आपको यूएसए का 10 साल का विजिटर वीजा चाहिए, चाहे आप सभी स्टडी परमिट पे हो, वर्क परमिट पे हो, या चाहे अगर आप अभी पीआर हो, तीनों के लिए ये वीडियो यही क्वेश्चन सबको पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो सबसे पहले DS-160 जो फॉर्म है अगर आपको भरना है तो आप नेट पे लिखोगे कि भाई DS-160 फॉर्म मुझे भरना है, हाउ टू टेक यूएसए वीजा, हाउ टू टेक यूएसए विजिटर वीजा, हाउ टू बुक द अपॉइंटमेंट, तो वहां पे ढगलो वेबसाइट्स आएगी। अब उसमें से ज्यादातर वेबसाइट सिर्फ एक वेबसाइट को छोड़ के होगी। एक वेबसाइट कौन सी, वो यूएस वालों की। तो जितनी भी वेबसाइट्स होगी वो आपको या तो इन्फॉर्मेशन देंगे या वो लॉयर होंगे, कंसल्टेंट होंगे, वो आपको घुमा फिरा के अपनी वेबसाइट पे ले जाएंगे और बोलेंगे कि हम आपके लिए यूएसए का वीजा भरेंगे, तो आपके लिए पूरा का पूरा DS-160 फॉर्म भरेंगे, $100, $150, $200 आप हमको जरा दे दीजिए। तो इस तरीके का सीन होगा। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिख के दे रहा हूँ कि कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है जहां से आप DS-160 फॉर्म भर सकते हो, कौन सी वेबसाइट में आपको जाना है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। तो DS-160 फॉर्म बेसिकली बहुत ही इजी फॉर्म है, नाम अता पता घर नंबर यही सारी चीजें उसमें लिखनी है। लेकिन जो मेन चीज है, जो मेन क्वेश्चन हमारे दिमाग में होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे केस में मैं यूएसए में किसी को जानता नहीं था और फॉर्म में एक ऑप्शन आता है कि भाई आप यूएसए में किसी को जानते हो तो उसका नाम, नंबर और एड्रेस, ये तीन चीजें लिख दो। और मेरे दोस्त ने मेरे को डरा रखा था कि अगर तू वहाँ इंटरव्यू में बोलेगा कि तू यूएसए में किसी को जानता है तो उनको लगेगा कि तू वहाँ जाएगा फिर वहीं बस जाएगा, यहाँ नहीं आएगा तेरे को वीजा नहीं मिलेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दिया था सिंपल से प्रोसेस को। तो मैं किसी को जानता नहीं था तो मैंने वहां पर लिख डाला कि भाई मैं किसी को नहीं जानता हूं। अब जब उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आप वहां जा रहे हो तो आप वहां रुकोगे कहां, वहां का एड्रेस दो, जहां नाम है जो भी है दोस्त का, कुछ भी दे दो सिंपल सा। मेरे को न्यूयॉर्क दिमाग में आया, मैंने न्यूयॉर्क में जो भी अच्छे से अच्छे वर्ल्ड फेमस होटल्स है उसमें से एक होटल को चुना, उसका होटल का नाम डाला, होटल का एड्रेस डाला और होटल का फोन नंबर डाला। ठीक है, कोई बुकिंग नहीं करवाई मैंने, इस तरीके की भी नहीं करवाई कि भाई बाय नाउ पे लेटर बुक करवा लो, रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो फिर कैंसिल करवा दो ताकि वहां प्रूफ, कुछ नहीं, कोई बुकिंग नहीं करवाई। ठीक है, कोई बुकिंग आपको करवाने की जरूरत भी नहीं है, वहां कोई पूछेगा भी नहीं। और अगर आपको पूछेंगे तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि भाई मैं फलाना फलाना तारीख में जाऊंगा जो आज से 4 महीने 6 महीने के बाद है या भले 1 हफ्ते के बाद है, अगर आप मुझे वीजा दोगे तो मैं एरोप्लेन की टिकट भी तुरंत बुक करवा लूंगा, होटल की बुकिंग भी बुक करवा लूंगा, एयरबीएनबी भी बुक करवा लूंगा।
मेरे पास बहुत पैसा है, सब कुछ करवा लूंगा, लेकिन आप यूएसए का वीजा दोगे उसके बाद मैं वो सब करवाऊंगा, तो उन लोग को भी पता होता है, इसलिए वो पहले से ले जाने की जरूरत नहीं। और दूसरा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कहाँ पे जाना चाहिए, वीजा की अपॉइंटमेंट हमें कहाँ बुक करवाना चाहिए, टोरंटो में थोड़े सक्सेस रेट ज्यादा है, वैंकूवर में थोड़े ज्यादा है, मॉन्ट्रियल में थोड़े कम है, या मॉन्ट्रियल में थोड़े ज्यादा है, ओटावा में थोड़े ज्यादा है, अल्बर्टा में बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको वीजा मिलना है तो हर जगह मिल जाएगा। जो बेसिक क्वेश्चन पूछने वो ऑफिसर है उन लोगों को सब मालूम रहता है कि भाई क्या कौन लोचे वाला आदमी लग रहा है, कौन सीधा आदमी लग रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब दे दो, कॉन्फिडेंट रहो। यूएस का विजिटर वीजा ले रहे हैं हम, कोई ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप नहीं ले रहे, आसानी से मिल जाएगी। तो डीएस 160 फॉर्म में एक बस ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है कि आप कब जाने वाले हो, उसका स्टार्ट डेट एंड डेट। ऐसे मेरे केस में 21 नवंबर को जाने वाला था, 22 नवंबर को मेरा बर्थडे था, 28 नवंबर को अपने रिटर्न आने वाले थे। और वहां पे पूछा कि आप वहां किसको जानते हो, मैंने बोल दिया मैं वहां किसी को नहीं जानता। और मुझे पूछा कि आप वहां पे जाके रहोगे कहां, तो मैंने वही जो होटल था महंगा वाला 500-700 यूएसडी उसका एक नाइट का स्टे है, मैं तो सोच रहा था गलती से मुझे अगर बोल दिया ठीक है तुमको यूएस का वीजा मिलता है, अब तुमको इसी होटल में रहना है, तो मेरे तो लग जाते। उसके बाद कुछ नया अभी अपडेट ये हुआ था, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने शायद 3 या 4 साल पहले यूएस का विजिटर वीजा अप्लाई किया था, तो उसके टाइम पे सोशल मीडिया की प्रोफाइल का जो भी यूजर नेम होता है वो डालने की जरूरत नहीं थी। पर अभी आप जब डीएस 160 फॉर्म भरोगे, जब मैंने भरा था वहां पे मुझसे मांगा कि भाई आपका जो इंस्टाग्राम में या फेसबुक में जो भी अकाउंट है उसका क्या यूजर नेम है, वो यूजर नेम यहाँ लिखो। तो अभी मांग रहे, खोल के वो लोग देखने नहीं वाले, लेकिन मांगते हैं, तो इसलिए सही डालना। अगर आपने लिखा है कि मेरा वहाँ कोई फ्रेंड है तो कोई टेंशन नहीं, भले आप उसको नहीं जानते हो आपने लिख दिया ठीक है, लेकिन गलती से अगर आपको वीजा नहीं मिल रहा, कोई इंक्वायरी है, थर्ड क्वेश्चन आपसे 2-3 क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए, तो उस टाइम पे जरूर उस बंदे को फिर वो लोग फोन करके पूछेंगे कि भाई तुम इसको जानते हो कि नहीं जानते हो, तुम्हारा क्या स्टेटस है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो कोई किसी ऐसा नहीं कि फलाना फलाना दोस्त का नंबर डाल दो, आपका कोई दोस्त है, उसका कोई दोस्त है, वो यूएस में रहता है, तो आप सोचते हो कि ठीक है मैं अपने उस दोस्त को पूछता हूँ कि भाई तेरा कौन सा दोस्त है जो यूएस में रहता है, मेरे को उसके जरा फोन नंबर एड्रेस और नाम दे दे तो मैं मेरे फॉर्म में लगाता हूँ। लगाने के लिए आप लगा सकते हो, लेकिन फिर उस दोस्त के दोस्त को पता होना चाहिए कि भाई आपने यूज किया है, क्योंकि जनरली तो आपको वीजा मिल ही जाएगा, लेकिन अगर गलती से नहीं मिला तो वो जो बंदा यूएस में बैठा है जिसका डाला है आपने, उसको फिर वो लोग पूछ भी सकते हैं। तो इसलिए सिंपल चीज को सिंपल ही रखो, कॉम्प्लेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं जानते हो तो मेरी तरह लिख दो कि नहीं जानता हूं, कहां रुकोगे होटल का डाल दो, होटल की बुकिंग करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है, करवाने वाले तो करवा के भी गए थे, मैं वहां गया था बहुत लंबी लाइन लगी थी, मैं गिन के 3 से 4 डॉक्यूमेंट वो भी बता देता हूँ कौन से मैं लेके गया हूँ। एक लेके गया हूँ मेरा डीएस 160 फॉर्म, एक लेके गया हूँ पासपोर्ट, और एक लेके गया हूँ वर्क परमिट जो मेरा अभी कनाडा का स्टेटस है। इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो करनी होती है, तो बस ये 4 ही डॉक्यूमेंट होते हैं, यही आपको लेके जाने होते हैं। और ये सारा का सारा जो आपका जो डीएस 160 फॉर्म का एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा कि भाई ये तारीख को इतने बजे आपका अपॉइंटमेंट है, आपको ये स्पेसिफिक लोकेशन पे ये वाले यूएस कॉन्सुलेट में जाना है, वहां लिखा ही है कि यही 4 चीज लेके जानी और कुछ लेके नहीं जाना। इवन जो आप डीएस 160 फॉर्म भरोगे ना, तो कुछ लोग तो उसको भी प्रिंट आउट लेके उसको भी ले जाते हैं अपने साथ, वहां क्लियरली लिखा है कि दिस इज ओनली फॉर यू, इसको वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग इतनी मोटी मोटी फाइल। इवन एक बंदा तो वहां मुझे मिला था, वो अपने इंडिया का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके गया था जो हिंदी में लिखा था। आपको जो एक्स्ट्रा लेके जाना है लेके जाओ, अपने कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो मेन चीज है डीएस 160 फॉर्म, आपका पासपोर्ट, कनाडा का स्टेटस यानी वर्क परमिट पीआर या स्टडी परमिट जो भी आपका है, और वो जो फोटो मैंने आपको बताई पासपोर्ट साइज की जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये लेके जरूर जाना। तो अब बात करते हैं जरा कि फीस कितनी है। तो इसकी फीस है मेरे टाइम पे थी 160 USD, ठीक है 160 USD लगते हैं और फिर गुड टू गो। फिर उसके बाद सिंपल डीएस 160 फॉर्म अगर आपने एक बार भर दिया, उसके बाद फटाफट से जरा आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, तो अपॉइंटमेंट बुक करने की भी ट्रिक ये है कि मेरे को जो अपॉइंटमेंट मिली थी मैंने अभी करवाया था मार्च में, ठीक है मार्च 2023 में मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी, मुझे मिली थी मई 2024 की, तो मैंने मई 2024 क्योंकि मैं वहां पे पूछते हैं टोरंटो में जाना है ओटावा में जाना है कहाँ जाना है, तो मैं टोरंटो में था, मुझे टोरंटो में ही जाने का था, ठीक मैंने बुक करवाई। जो मुझे लेटेस्ट जल्द से जल्द मुझे जो अपॉइंटमेंट मिलने वाली थी वो थी मई 2024 की, तो वो अपॉइंटमेंट मैंने बुक कर ली। और फिर भगवान का भला हो उन सब व्लॉगर्स का जिन लोगों ने ऑलरेडी वीडियो डाली थी, तो वहां से मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि भाई अगर आप कोई भी डेट की अपॉइंटमेंट बुक करवा लो और फिर दिन में एक दो बार जरा देखते जाओ, रिफ्रेश करते जाओ, लॉगिन करो, अपना यूएस अपॉइंटमेंट को चेक करते जाओ, आपको कभी ना कभी जल्दी की डेट मिलेगी। तो बस फिर मेरा दिन रात यही काम होता था कि रिफ्रेश कर करके चेक करता रहता था कि भाई टोरंटो में कोई लेटेस्ट डेट की अभी कौन सी अपॉइंटमेंट है जो अभी अवेलेबल है। तो अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी कि मेरे नसीब चल पड़े और मुझे 1 महीने बाद की यूएस वीजा की डेट मिल गई टोरंटो में, तो फटाफट से फिर मैं जाके देने चला गया अपना इंटरव्यू। अपॉइंटमेंट थी मेरी 9:15 की, मुझे जाना था टोरंटो और सुबह सुबह का टाइम था, ट्रैफिक इतना था कि भाई ट्रैफिक में मैं थोड़ा लेट हो गया 10-15 मिनट, और प्लस थोड़ी पार्किंग भी ढूंढनी पड़ी, पार्किंग बाजू में ही थी वो बात बहुत अच्छी थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ, मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट लेट हुआ। मैं गया तो वहां पे लिखा हुआ था मेरा था 9:15 का, उसके बाद एक बैच था 9:30 का, उसके बाद एक और बैच था 9:45 का। तो जब मैं गया तो 9:45 वाला बैच
जो था उसकी पूरी लाइन लग चुकी थी, तो मेरे को तो टेंशन चालू हो गई। एक तो इतनी मेहनत से, मुश्किल से, किस्मत से अपने को डेट मिल गई थी, वो गई, 160 USD भरे थे, वो भी जाएंगे तो वाट लग जाएगी। प्लस मैं छुट्टी लेके गया था स्पेसिफिकली जॉब से, तो वो छुट्टी का भी पैसा गया, वो अलग टेंशन। जो मैं 15-20 मिनट लेट था वो मुझे काफी भारी पड़ सकते थे, लेकिन पड़े नहीं। मैं वहां पे गया, उनको मैंने पूछा कि भाई मेरी 9:15 की डेट थी, गलती से जरा मिस्टेक हो गई, मैं पीछे ही लाइन में ही था। मैं कुछ भी आप बोल सकते हो कि मैं पीछे लाइन में था, क्योंकि वहां पे एकदम देसी सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लेने जाते हो, आपको पूरा एक मिलता है, आपका ये 1 नंबर की अपॉइंटमेंट है या 10 नंबर की अपॉइंटमेंट है, वहाँ टीवी लगा होता है, टीवी में आपको दिखा रहे होते हैं कि भाई ये नंबर चल रहा है, आपका नंबर आने वाला, आपको मालूम पड़ जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, लंबी लाइन लगी होती है, वो लोग चिल्ला रहे होते हैं ये वाला आ जाओ, वो वाला आ जाओ। अंदर जाके हालांकि सब कुछ होगा, बाहर, लेकिन मैं रोड की बात कर रहा हूँ, रोड पे इस तरीके से होता है। तो मैंने उनको जैसे जाके, मेरे को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने अच्छे लोग थे वो। दिखाया मैंने पेपर कि ये 9:15 की मेरी अपॉइंटमेंट है, अभी 9:45 की लाइन में मैं लगाऊँ, बस इतना उनको बोला। तो उन्होंने कहा अरे अरे ठीक है चलो चलो अंदर, VIP एंट्री सीधा अंदर। वो जो 9:45 वाली बैच में एकदम पीछे की तरफ था, मैं उठा के मेरे को एकदम आगे खड़ा कर दिया, फिर मैं चला गया। तो अंदर का जो सीनरी है मैं आपको बताता हूँ, एकदम जिस तरीके से भी था, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा विजुलाइज कर रखा है मैंने। मैं आपको बताता हूँ कि क्या था, धक 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 हो रहा था कि यूएस का वीजा चाहिए पहली बार में। सबसे पहले आपकी जो शुरुआत होगी अंदर, वो सिक्योरिटी वालों से होगी, प्रॉपर स्कैन करेंगे, सेम वही सिक्योरिटी वो लोग फॉलो करते जो हम एयरपोर्ट में करते हैं ना, सारा का सारा सामान जो भी आपके पास है वो उठा के अंदर रखो, फिर वो मशीन के अंदर स्कैन करेंगे, फिर आपको भी जाना है आपको भी स्कैन करेंगे, फिर आपको भेज देंगे आगे। अब जब आप आगे जाओगे थोड़ा तो लाइन लगी होगी, आपके आगे भी 10-20 लोग होंगे, पीछे भी 5-10 लोग होंगे। जैसे आपका नंबर आएगा तो आपका DS-160 का जो अपॉइंटमेंट फॉर्म है वो मांगेंगे आपसे, उसको आप दे दो उनको, बस उसके बाद खड़े रहो वहीं पे, लाइन चलती रहेगी। फिर अंदर 3 विंडोज है। अब सेम भी जो इंटरव्यू का जो इतना बड़ा नाम डाल रखा है ना इंटरव्यू का डराने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने आप गए होंगे कभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने, तो कैसी लाइनें लगी होती है, सब विंडोज होते हैं, लोग खड़े खड़े ये डॉक्यूमेंट देते हैं, फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, जो भी खड़े खड़े आप पैसे देते हो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, बस उसी तरीके का पूरा सेटअप है। 3 विंडोज होगी, तो पहली विंडो वहाँ थोड़ी देर लाइन में खड़े रहो, फिर पहली विंडो में आपका जैसे ही नंबर आएगा वहाँ आपको फिर से अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है। जो मैंने आपको 4 डॉक्यूमेंट्स बताए, 4 चीज दी, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ऐसे धीमे 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 और अपने आगे जाने का, तो एक और विंडो आएगी, ठीक है। उस विंडो में आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, E7 के 4, फिर E7 के 4 अंगूठा, 1 साथ 2, ठीक है। बायोमेट्रिक खत्म हुआ, फिर लाइन चली रही है, ठीक है, आपको दिख रहा है बाकायदा, वहां से दिखेगा आपको कि ये इंटरव्यू चल रहा है वहां पे। बस फिर थोड़ी देर खड़े रहो, आपके आगे 4-5 लोग होंगे, टू आपका नंबर आया। इंटरव्यू की भी स्पेसिफिक 3 विंडोज थी, 3 वीजा ऑफिसर बैठे थे, तो जैसे ही मेरा नंबर आया मैं वहां पे गया। अब उन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछे, पहला मुझे उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो भाई यूएस में, तो मैंने बोल दिया मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अभी का तुम्हारा स्टेटस क्या है, मैंने कहा वर्क परमिट पे हूँ, पहले क्या करते थे, स्टूडेंट था, अभी कर क्या रहे हो, मैंने कहा जॉब कर रहा हूँ, कितने टाइम से, 4 महीने से। और शायद तक ये भी पूछा था कि यूएस से जाना है न्यूयॉर्क, तो वहीं पे स्पेसिफिकली क्यों जाना है, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मुझे वहाँ पे बचपन से मैंने देख रखा था, तो मुझे जरा टाइम्स स्क्वायर देखना है और न्यूयॉर्क को देखना है, वो अपना स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना है, फटाफट बोल दिया मैंने उनको। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने पासपोर्ट लेके, उनके पास ही था पासपोर्ट, पासपोर्ट अपने पास रखा, बोल दिया इट्स अप्रूव, मैंने भी बोल दिया थैंक यू, पासपोर्ट उन्होंने अपने पास रख लिया जो उनके पास ही रहा, और फिर मैं थोड़ा बाहर की तरफ आ गया। तो वहां जाके मैंने पूछा भाई पासपोर्ट रख लिया मुझे देंगे कब, तो उन्होंने कहा आपको एक ईमेल आएगा, ईमेल में पिकअप लोकेशन जो आपने सिलेक्ट किया होगा ना जब आप DS-160 फॉर्म भर रहे थे अपॉइंटमेंट के टाइम पे, वही लोकेशन पे आपको जाना है, और फिर वो लोकेशन पे जाके आपको अपना पासपोर्ट मिल जाएगा। और दूसरा केस में आप दो तरीके हैं, जैसे कि मैं तो चलो वहां पे गया हूं अपने कनाडा पोस्ट में पासपोर्ट को पिकअप करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहो तो कुछ शायद 20 या $22 अगर आप दोगे एक्स्ट्रा, आपके पास घर पे आ जाएगा पासपोर्ट, आपको लेने जाने की जरूरत नहीं है। मेरे केस में मैंने नहीं भरे थे, मुझे जाना था, तो आज मैं गया आराम से टाइम लेके 10 दिन बाद गया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि और 3-4 दिन अगर रुक गया तो फिर ये पासपोर्ट फिर से US कॉन्सुलेट चला जाएगा, फिर एक नवी वीडियो बनानी पड़ेगी कि US कॉन्सुलेट में से पासपोर्ट आया स्टैंप लग के कनाडा पोस्ट में, कनाडा पोस्ट में मैं गया नहीं, अब फिर से वो चला गया US कॉन्सुलेट में, तो अब क्या। लेकिन अपने केस में ऐसा हुआ नहीं, अपने जाके ले आए। तो ये है मेरा USA का वीजा, तो बस ये विजिटर वीजा है, अब जब मन करेगा तब हम USA में जा सकते हैं। और अगर आपको कुछ इसके अलावा भी और क्वेश्चंस है तो नीचे जरा प्लीज कमेंट कर दीजिए, और आपका प्यार बरकरार रहे वो जो घंटे वाला आइकन है उसको जरा आप क्लिक कर दीजिए, और जरा सब्सक्राइब का जो बटन है उसको भी टच कर दीजिए। वीडियो को शेयर करना है किसी ऐसे फ्रेंड के साथ जो भी इस समय US का जो पूरा विजिटर वीजा का प्लानिंग कर रहा है, तो उसको भी आप जरा शेयर कर सकते हो। और DS-160 फॉर्म की मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि वो फॉर्म बहुत ही सिंपल है, नेट पे लिखोगे तो हर बंदा सिखा रहा है, ठीक है, लेकिन सबके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो थोड़े बहुत अलग अलग है, तो वो मैंने आपसे शेयर कर दिए है। और बाकी कुछ नहीं, मिलते हैं फिर।